बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के दोस्त कपिल शर्मा का। शाहरुख भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपने पहले शो शुरू कर दिया, आप मेरे लिए रुक नहीं सकते थे? आप पता है मैं अपनी फिल्म की रिलीज किसी के लिए नहीं रोकता हूँ, तो शो क्या रुकूंगा और तेरे लिए क्या रुकूंगा मैं। अच्छा एक बात बता, तू इतना लेट क्यों हो गया? जल्दी आना था तुझे। मैं कटिंग कराने गया था, सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड में कटिंग कराने गया था तू? कट अच्छे लगाते हैं। हाँ मैंने भी सुना है सेंसर बोर्ड में कटिंग अच्छी। भाई आपकी फिल्म कभी सेंसर बोर्ड में अटकी नहीं ना? नहीं यार, मेरी फिल्म के अंदर तो कपिल कोई किसिंग वगैरह होती नहीं है ना। आपकी जनरेशन का सही था, स्क्रीन पे कोई गलत काम करना ही नहीं। एक सेकंड, क्या जनरेशन क्या बोल रहा है? ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जनरेशन का आदमी हूँ। सैगल साथ के साथ काम किया मैंने, पता है मेरी दाढ़ी का एक भी बाल सफेद नहीं है। वो तो आप होने नहीं देते ना। वैसे तो अनिल कपूर साहब की देख लो, उनकी दाढ़ी में भी सफेद बाल नहीं है। हालांकि हर्षवर्धन की दाढ़ी में मैंने एक दो देखे हैं। क्या मुन्ना चकास, हम लोग अपने आप को मेंटेन करते हैं, मेंटेन करते हैं। खैर भाई आपको पता है जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए थे क्रिकेट टीम में, तब मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन हुआ करते थे। उसके बाद सौरभ गांगुली बने, फिर सचिन सर बने, उसके बाद एमएस धोनी, अभी वो भी रिटायर हो गए हैं। एक्सक्यूज मी, तू कहना क्या चाह रहा है? मैं खाली चेक कर रहा था कि मेरी क्रिकेट की नॉलेज ठीक है ना। वैसे तू क्रिकेट की नॉलेज पे ध्यान मत दे, तू अपनी फिल्मों की नॉलेज पे ध्यान दे प्लीज। हां क्या ध्यान दे शाहरुख भाई, 25 साल से आप ही छाए हुए हो। महेश भट्ट साहब से लेके इन्होंने रोमांस शुरू किया, आलिया भट्ट तक आप ही करे जा रहे हो, हम कहां जाए, मर जाए हम। यार तू ये 25 साल कहेगे ना, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि तू मुझको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिलवा के ही रहेगा। नहीं नहीं, जब तक लाइफ टाइम अचीवमेंट की बारी आएगी आपकी तो खुद की अवार्ड की दुकान होगी, आप देख लो। भाई मुझे भी बताओ ना, ये जो अवार्ड जीतने के लिए ये फिल्म में क्या करना पड़ता है? जैसे आप फॉरेन लोकेशंस पे शूट करते हैं? नहीं 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 नहीं, फॉरेन लोकेशन में नहीं जाना। आजकल जो है ना, हमारी देश की मिट्टी सोना उगल रही है। मतलब मैं बताता हूँ तुझको, मैं ना फैन में गया फॉरेन जी, क्रोएशिया गया, रोमानिया गया, लंदन गया, भाग भाग के पागल हो गया, हैं करता करता। यहाँ पे सलमान आबे ने लंगोट पहन के मिट्टी में लोड के 300-400 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ये तो है। वैसे शाहरुख भाई ये फिल्म चलाना किसके हाथ में होता है? प्रोजेक्शनिस्ट के हाथ में होता है। अब ये टीवी वालों को मैं फिल्म की बात क्या सुनाऊं, टीवी से आए हुए लोग इनको क्या समझे फिल्मों की। अच्छा मतलब आपने तो शुरुआत बड़ा टाइटैनिक से की थी ना, आपने भी तो टीवी से की थी। मैं तो फिर भी सोनी टीवी से कर रहा हूँ, आपने तो सरकारी चैनल से की थी। ज्यादा सरकार सरकारी मत बोल, पिछली बार तूने सरकारी बोला, 3 केस चल रहे हैं तेरे पे, आजा अवार्ड दे देते हैं। हां या लेट्स चेंज द टॉपिक लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर कपिल शर्मा।